तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो मैदा, इसमें मैंने ऐड किया है तिहाई चम्मच नमक और इसको मैं सोडा वाटर ले लिया है मैंने, सोडा वाटर से ही मैं इसको गूंथ लूँगी और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप देखेंगे कि मार्केट से ज़्यादा अच्छे भटूरे हमारे घर में तैयार होंगे। तो देखिए ये आटा अभी थोड़ा सा सख्त है और थोड़ा सा ये फटाफटा सा भी लग रहा है, तो ये सॉफ्ट और बिल्कुल चिकना आटा हो जाएगा ये रेस्ट के बाद। तो रेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिए वाइट पॉलीथीन, ये कलर पॉलीथीन में मत रखिएगा, वाइट पॉलीथीन में इसको रैप करके और आप रख सकते हैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी, इसमें मैंने लिया है 150 ग्राम सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता और स्लाइस ऑनियन, जो कि मैंने बड़ी साइज़ की स्लाइस बड़ी साइज़ की प्याज ली थी तो उसकी मैंने स्लाइस कर लिया और हमें इसे गोल्डन होने देना है। तकरीबन देखिए इस तरह की गोल्डन हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस इसको भी चलाएंगे और 2 मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई 2 चुटकी हल्दी मसाले, आधा चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच में करीब लूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो बस इसको ढककर थोड़ी देर गलाएंगे और फिर इसको ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे और भूनने के बाद जब इसमें ऑयल सेपरेट होने पर आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। और इसको भी 2 से 3 मिनट ढककर पकाने के बाद इसे हम भून लेंगे। तो जब हम इसे 2 से 3 मिनट ढकेंगे तो बीच बीच में इसको हम चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं तले में आलू की पूड़ी। तो बस यहाँ पे मसाला भुनने पे आ गया, मैंने यहाँ पे इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करा है छोले मसाला 1 चम्मच और बस इसको टमाटर और छोले मसाले के साथ हम इसको भून लेंगे। अब जब तेल इसमें से निकलने लगेगा छूटने लगेगा यानी कि ऑल सेपरेट होने लगेगा तो बस इसमें हम ऐड करेंगे छोले। छोलों को मसाले के साथ अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर 3 मिनट हम छोलों को ढककर कुक करेंगे ताकि कि छोलों के ऊपर मसाले का कलर और फ्लेवर अच्छे से चढ़ जाए आ जाए। तो बस इसको 3 मिनट तक ढककर हम पकाएंगे मीडियम आँच पर और फिर इसके बाद हम इसको भूनने के बाद इसमें लगा देंगे ग्रेवी। तो ये देखिए छोलों का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और ग्रेवी से हमें बहुत पतली नहीं करनी है, गाढ़े छोले बनाने हैं तो बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे और इसे खौल आने तक पकने देंगे। छोले और भटूरे जब भी आप नाश्ते या खाने में बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे बनाएं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं अगर छोले बॉयल्ड होंगे और आटा आप लगा के रख लीजिए तो बस 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है। छोले भटूरे जैसी टेस्टी डिश और रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो ये और आप टमाटर पीस के इसका पेस्ट बनाइए तो और भी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए खोल भी आ गया है छोले में, तो बस इसमें फाइनली टच देने के लिए इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई। तो यहाँ छोलों की कंसिस्टेंसी और कलर बिल्कुल परफेक्ट है जैसे कि मुझे चाहिए था, तो ये हमारी छोले रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो तब तक हम आ जाते हैं रिफाइंड ऑयल पे, हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा छोटी इलायची और बाकी के खड़े मसाले भी और ऐड कर देंगे हम धुले हुए चावल। चावल को सोक नहीं करना है, चावल को जल्दी से बस धोकर इसी तरह से हम फ्राई कर देंगे और हाँ चावलों को भूनना आप बिल्कुल ना भूलें। भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी और ले लेंगे 2 सीटी। हाँ इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई, थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है तो आप प्लीज़ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लें और ले लिया इसमें 2 सीटी। तो देखिए 2 सीटी आने के बाद और स्टीम निकल जाने के बाद देखिए आपके जीरा राइस बिल्कुल बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही खिले खिले से बने। तो देखिए कितना अच्छा कलर है इनका, वाइट वाइट सा कलर है। जैसा कि कहते हैं जीरा डालने से कलर चावलों का चेंज हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए एकदम वाइट चावल बना हुआ है, बहुत ही मार्केट जैसा रेस्टोरेंट जैसा। तो यहाँ पे आटा भी लगकर हमारा तैयार हो गया था, अब देखिए ये कितना सॉफ्ट, पहले से कितना सॉफ्ट हो गया है और इस आटे में कितनी चिकनाहट है। तो इस तरह से भटूरे का आटा जब भी आप मैदा गूंथें उसमें पॉलीथीन में रखें तो बहुत ही चिकना और सॉफ्ट हो जाता है। तो बस फटाफट से प्लेट लगाने के लिए यहाँ मैंने 4 से 5 भटूरे बेल लिए हैं।
बेलते समय सूखे आटे का भी आप यूज़ कर सकते हो, और आप चिकनाई लगा के बेलना चाहते हो तो आप कोई ऑयल का यूज़ कर लीजिए और उससे भी बेल सकते हो आप। बट मैं यहाँ पे सूखे आटे का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस फटाफट से मैंने भटूरे सेक लिए और यहाँ पे सर्व करने जा रही हूँ मैं हस्बैंड को और मौली को प्लेट। तो देखिए बट छोले कितने गाढ़े गाढ़े से बने हैं, तो बस इनके भटूरे की देरी है इनके प्लेट में, तो भटूरे भी सेक लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे रिफाइंड भी गर्म हो चुका था, मैंने छोटी सी पूरी डाल के देखा तो वो गर्म हो चुका है, तो मैं बाकी के भटूरे भी अब फटाफट से सेक लूंगी। तो ये देखिए कितने फूले फूले से भटूरे हमारे बनकर तैयार हो गए, मार्केट से भी अच्छे, कितना अच्छा इन पे कलर भी आया है। तो बस सर्व करते हैं हम मौली को और पापा को इनके प्लेट, तो इनकी प्लेट भी तैयार हो गई है। तो इस तरह की फुल प्लेट डिनर या लंच में बनाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से खाने को प्रेजेंटेशन देना और प्रेजेंट करना। तो बस आप भी इस तरह की थाली बना सकते हैं बहुत ही जल्दी, 1 से 1.5 घंटे में। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये छोले भटूरे की रेसिपी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।